ये वाली सब्जी बनाने के लिए मैं स्पेशली पालक लेने के लिए गई थी, बिकॉज़ ये वाली सब्जी मैंने कब से सोच के रखी थी। और जब भी मैं शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो वहाँ पे स्पेशल स्पेशली तो लेने गई थी, और ऊपर से एकदम फ्रेश वाले पालक मिले थे, तो मुझे लगा मैं ले ही लूँ और ये सब्जी आज बना ही दूँ। करा कुछ नहीं, जो पालक की जो डंडी होती है वो मैंने निकाल दी है। नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उसे यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैंने वो हटा लिया। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे बेसिकली मुझे वीडियो में ऐसे लेना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कट करी थी, लेकिन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कट करना बहुत सही से कट होगी। कुछ इस तरीके से काट लेने। अभी पैन लेना है जिसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, उसी के साथ हम उसके अंदर डालेंगे जीरा, अगर आपको हल्की सी राई पसंद हो तो डालना, लेकिन वो टेस्ट खराब कर देती है। और उसी के साथ डालेंगे रेड चिली पाउडर, प्याज डाला है, लहसुन बारीक कटा हुआ डाला है। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, बहुत उसे कुक नहीं करना। फिर उसके बाद टमाटर ऐड करें, टमाटर के साथ में आप नमक डाल सकते हो, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर मसालों के अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ करा है, तीखा अपने हिसाब से देख सकते हो। हल्दी डाली है, कोरिएंडर पाउडर डाला है, और उसी के साथ मेरे पास किचन किंग का मसाला था वो ऐड कर लिया। ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, मसाले को अच्छी तरह से कुक कर लिया, और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, उसका पानी सारा सूखना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो हम लोग ने जो पालक काटी थी वो उसे ऐड कर लेंगे। अभी पालक कुक होने में इतना टाइम नहीं लगता है, तो वो थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना। जब तक ये सारा चीज़ हो रहा था ना, मैंने साइड पे चने वाला आटा आता है उसको मैंने हल्का सा भून लिया था, और ये सब्जी की पूरी जान वो बेसन का रोस्टेड आटा इसके ऊपर जाएगा, वही होगा। यहाँ पे मैंने उसके ऊपर रोस्टेड वो बेसन का आटा है वो ऐड कर लिया, और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके उन्हें 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पे कुक करा है, ताकि उसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। जैसे ऑयल सेपरेट हो जाए, आप उसके अंदर धनिया डालना हो तो डाल सकते हो, लेकिन मैंने उसके अंदर धनिया ऐड नहीं करा है, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जी के अंदर कि उसका ऑयल कम्प्लीटली सेपरेट हो गया है। मैंने पहली बार ट्राई करी है, मुझे बहुत पसंद आई है, आप भी ट्राई करना और आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताना। बाकी रोटियों के साथ ये मज़ा आ जाते हैं, मुझे वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी लगी वो पालक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दूसरे रेसिपी में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक